जय हिंद। आज के क्लास में मैथमेटिक्स क्लास का आज हम 13वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 12 पार्ट दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा ज़रूर। आज के क्लास में हम बड़ा, छोटा एवं बराबर, इसका हम 3रा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 11 पार्ट और 12वां पार्ट इससे पहले हम दे चुके हैं। नहीं देखे तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। आज का सेशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो को पसंद लगेगा तो शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन कुछ गाने के साथ शुरू करते हैं। तो नया साल आने वाला है ना, 2022। आज तारीख कितना है? आज तारीख हो गया 27 तारीख। तो वो कहते हैं ना, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम तेरी कसम। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो चलिए, कल आप लोग को हम बोले थे कि इसमें जो हम सिखाएंगे आप लोग को, दशमलव वाली संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़े ही बच्चों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि नहीं? तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, हम कुछ कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हम यहाँ से ये ले लिए हैं 1, 3.42, और ये है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान माने होता है खाली घर। अब यहाँ लिख लिए हैं 1, 3.62। ये दशमलव वाला संख्या आप लोग को पहचानने के लिए सिखाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़े ही कन्फ्यूजन बने रहते हैं। आराम से देखिए, दिल थाम के रखिए एकदम से। देखिए, आप लोग तो पहचानने के लिए ताता होगा। आप लोग को पहले बोले थे संख्याओं को पहचानने के लिए दशमलव से पीछे साइड को। अभी हम रुपया में ले रहे हैं, यदि हम केजी यहाँ रहेगा तो हम केजी में लेंगे, टन में रहेगा तो टन में लेंगे। तो देखिए, यहाँ दशमलव के पीछे क्या है? 13 है। क्या है? 13। तो 13 रुपया, ये 42 पैसे हम बोलेंगे, ये रुपया पकड़ ले रहे हैं हम, 13 रुपये 42 पैसे। इसको पकड़ी, देखिए ये 13 रुपया 62 पैसे। तो बचपन में होता है क्या है, यहाँ भी 13 देखता है और यहाँ भी 13 देखता है, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ बराबर है। तो बचपन क्या लगा देता है? बराबर का चिन्ह लगा देता है। चिन्ह आप लोग को बताए थे, ये है बड़ा का चिन्ह और ये है छोटा का चिन्ह, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला बराबर का चिन्ह, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, इसके बाद नीचे वाला बराबर का चिन्ह। ये तो कल ही हम आप लोग को बताए थे, है कि नहीं? देखिए, आराम से देखना है। यदि दशमलव के पहले, दशमलव के पहले देखिए, दशमलव के बाद पहले कितना है? 13, और दशमलव के बाद 42। यहाँ पे देखिए, दशमलव के पहले 13 और दशमलव के बाद 62। अब देखिए बड़ा कौन है? 13 रुपया 42 पैसा बड़ा है कि 13 रुपया 62 पैसा बड़ा है? तो आप लोग बोलेंगे कि 13 रुपया 62 पैसा बड़ा है। तो जिधर बड़ा रहता है उधर चिन्ह क्या करते हैं? उधर बड़ा का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन एक शर्त है, बड़ा का चिन्ह इस तरह से होता है तो इस तरह से नहीं लगा देना। मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से यानी गणित के नियम के अनुसार होता है क्या, जिधर बड़ा रहेगा ना उधर मुंह को फैला देना है। मुंह को क्या करना है? फैला देना है। जैसे देखिए, ये बड़ा का जो चिन्ह है इधर मुंह फैलाया हुआ है, और ये छोटा का चिन्ह है उधर मुंह फैलाया हुआ है। तो ये छोटा और बड़ा का चिन्ह यहाँ भरने समय हम उल्टा जैसा देते हैं, तो जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह को फैला देना है। आ आ, खोटा भाषा में बोलते हैं डोका फाड़ देना। आ, तो मुंह को क्या करो? फैला दो। इधर मुंह को क्या करो? फैला दो। तो उधर क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ आएगा ना? आप लोग को पहले बोल चुकी है कि ये आरोही अवरोही सजाने में क्लास 9, क्लास और क्लास 8 में एकदम काम देता है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। अब सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2, 4, 5.369, ये है रिक्त स्थान। उसके बाद यहाँ भी दे दिए 2, 4, 5.360। आराम से देखिए, पहले हड़बड़ाइए नहीं, शुरू में हड़बड़ा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करो एकदम अस्थिर से करो, अस्थिर से, ताकि क्या होगा, मेरा हिसाब गड़बड़ नहीं होगा। देखिए, दशमलव से पहले वाला संख्या देखिए और इधर भी दशमलव से पहले वाला संख्या देखिए, इधर 245 है और यहाँ भी दशमलव के पहले क्या है? 245। ये डस्टर देखिए सर, 245 कितना है? 245। देखिए तो 245.369, 369, यहाँ देखो 245.360। आप ध्यान से देखिए, दशमलव के पहले यदि मिल रहा है, दशमलव के पहले यदि मिल रहा है तो
तो ध्यान से देखना है, दशमलव के बाद वाला संख्या देखो सर, यहाँ थ्री, यहाँ भी थ्री, अभी तक बराबर चल रहा है, यहाँ सिक्स, यहाँ सिक्स, एकदम बराबर चल रहा है, इसके बाद यहाँ नाइन, इसके बाद यहाँ पर जीरो, तो बड़ा कौन हुआ, नाइन हुआ कि जीरो हुआ, पीछे तक बराबर था, यहाँ से यहाँ तक बराबर था, अब यहाँ लास्ट वाला संख्या हम देखो नाइन और यहाँ जीरो, तो नाइन और जीरो में बड़ा कौन है, आप लोग बोलेंगे कि नाइन, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब जिधर बड़ा उधर मुंह को फैला दो, उधर मुंह को क्या करो, फैला दो, बस काम खत्म, बस काम खत्म। इतना छोटा सा संख्या हम लोग पहचानने के लिए नहीं सकेंगे, यही सब बचपन में बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। क्या कुछ है यार इसमें, कुछ है, कुछ नहीं है, बशर्ते खाली ध्यान से देखना है एक बार वीडियो को, उसके बाद आराम से समझ में आएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये के लिए 999.2567, ये दिए हैं रिक्त स्थान, इसके बाद यहाँ भी ले लेते हैं 99, उसके बाद फिर से 9, 2, 5, 6, 8 ले लेते हैं। चलिए एकदम आराम से देखिए, आराम से, इसमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है, ये तो मेरा दस अच्छी पॉइंटवे का नाम था, आज का सेशन का नाम था। तो चलिए देखो आराम से, आप लोग को दिल थाम के रखना है और एकदम आराम से आराम देखना है। देखो ये है पहले 9, यहाँ भी है 9, यहाँ 9, फिर है 9, उसके बाद फिर से 9, फिर से 9, मतलब यहाँ तक अभी क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है कि नहीं, एकदम बराबर चल रहा है। चल देखिए दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद 2, 5, तो यहाँ भी है 2, 5, उसके बाद 6, इसके बाद 6, इसका मतलब सर इससे पहले जितना है ना सब बराबर आ रहा है, अभी तक कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ है। अब देखिए लास्ट वाला है 7 और इसका लास्ट वाला है 8, तब लास्ट वाला संख्या से पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो देखिए 7 बड़ा कि 8 बड़ा, आप लोग बोलेंगे सर 8 बड़ा, तो जिधर बड़ा उधर मुंह को फैला दो, उधर मुंह को क्या करो, फैला दो, समझ में आ गया सर। यदि बिना दशमलव वाला रहेगा और यदि लंबा में रहेगा तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बबुआ, कैसे करेंगे, देखो बबुआ कैसे करेंगे, 1, 2, 9, 8, फिर से 9, 6 और 2। देखिए आप लोग को इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं आता है, नहीं आता है, देखिए मेरे साथ करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख, इस तरह से कर कर नहीं आता है। एक पार्ट के वीडियो में हम लेकर आएंगे, हम बता देंगे बढ़िया से, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग को नहीं आता है कोई टेंशन नहीं, यदि कीजिएगा तो कर लीजिए, यदि पता है तो कर लीजिए। देना साठ से हमेशा किया जाता है, याद रखना, हाँ देना साठ से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका मतलब कितना हो गया, 10 लाख आया, तो 10 लाख नहीं बोलना है, लाख में है, 10 लाख में, तो इसको 12 लाख में, तो 12 को टोटल पकड़ लो, तो 12,98,961, ये देखो 12,98,962। अब बड़े बड़े लोग होंगे तो पहचान लेंगे, ठीक है ना, तेरा बड़े बड़े फोन है तो बड़े बड़े लोग, चलो छोड़ो अभी गाना था ना। देखिए इसमें से आराम आराम से मिलाना है, 1, 1, 2, 2, 9, 8, 9, 8, अभी बराबर चल रहा है, 9, 6, 9, 6, अभी भी बराबर है, लास्ट में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो उधर वाला क्या है, बड़ा है, तो जिधर बड़ा है उधर क्या करो, उधर बड़ा का चिन्ह मुंह को फैला दो, आ टोका फाड़ दो, समझ में आएगा कि नहीं, बस अरे कुछ है ही नहीं, तो बस यही दशमलव वाला संख्या को पहचानना था। लेकिन जब माइनस में रहेगा, लेकिन जब माइनस में रहेगा तो माइनस वाला कैसे करेंगे, माइनस वाला कैसे करेंगे सर, चल देखिए माइनस वाला कैसे करेंगे, ओहो वाला करिए दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिखिए -4.4462 और ये खाली घर है -6.62, चल देखिए ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, ये -44.62 और ये -46.62, अब आराम से देखिए, देखिए इसमें पूछ सकता है इनमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, आराम से देखिए, आराम से देखिए, ये है -44 और ये है -46, सबसे पहले देखिए वो दशमलव का अभी गोली मारी, अभी बाद में देखेंगे, पहले वाला संख्या देखो, तो कल आप लोग को बोले थे यदि -44 और -46 रहेगा, कल का वीडियो हम पार्ट वाला हम बताए थे कि किस तरह से होगा, नहीं देखिए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप ही लोग बताइए -44 बड़ा कि -46 बड़ा, बताइए बताइए, आप लोग बोलेंगे -44 बड़ा,
काहे कि मैथ के नियम के अनुसार माइनस वाला संख्या में से जो सबसे छोटा रहता है उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। तो यहाँ दोनों माइनस में है ना, तो सबसे छोटा कौन है? माइनस 44। तो यही माइनस 44 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये वाला आँखियाँ मुइंद के मार दो, इधर क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ में आ गया? इधर वाला क्या हो जाएगा? छोटा। आप लोग बोलेंगे वाह सर वाह। अरे एग्जाम्पल लेके दिखाइए तो। लीजिए बब्बा लीजिए, आपका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 625328 माइनस 625.325। आराम से देखिए, ये क्या है? माइनस 625.328, ये 3 है। और इधर वाला माइनस 625.325। आराम से देखिए, पर सर देखिए दशमलव के पहले मिल रहा है माइनस 625, तो यहाँ भी माइनस 625 मिल रहा है, अभी तक बराबर चल रहा है। आगे देखिए, दशमलव बाद देखिए 3, तो दशमलव बाद 3, दशमलव बाद 2, तो दशमलव बाद 2, अभी तक बराबर है, एकदम दिल थाम के रखिए। अब देखिए यहाँ है 8 और यहाँ है 5। आप लोग को हम पहले बोले थे दोनों यदि माइनस में रहेगा तो सबसे छोटा वाला संख्या को देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ है बड़ा 8 और इसका लास्ट है 5, और इससे पहले तो सब मिल रहा था, बराबर था। तो यहाँ 8 और यहाँ 5, अब दोनों में से छोटा कौन है? आप लोग बोलेंगे 5। तो मैथ के नियम के अनुसार जो संख्या सबसे छोटा वही संख्या बड़ा। तो उधर वाला क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आज का वीडियो हम इतने रहने देते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया शेयर जरूर करें, इतना लोगों तक शेयर करें ताकि बेसिक गणित का फायदा अपने भाषा में उठा सके। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।